आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी के अंतर्गत पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, जिसका दूसरा पाठ आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मनु पाठ को पढ़ा, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अधिक स्नेह दिया, और इसी से प्रेरित होकर के ये दूसरा जो नोट्स है, यूं कह सकते हैं कि आपके लिए ये ऑथेंटिक नोट्स है, ये कक्षा नोट्स आपके लिए प्रसारित कर रहा हूं। नेट जेआरएफ करने वाले, कॉलेज लेक्चरर में पढ़ने वाले और बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप जरूर इनको अपनी कॉपी में उतारें, ताकि आपके लिए आने वाले भविष्य में भी काम आए, और अभी जब आप बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे तो उनमें काम आएंगे। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में आपके जो पुस्तक चलती है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसी पुस्तक के हैं, और उसमें से आपके आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का पाठ है। इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। आज हमें इसमें विष्णुगुप्त कौटिल्य का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र विषय या अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई है उसका परिचय पढ़ेंगे, उसके कुछ भाग और पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए। तो आइए चलते हैं आज के इन प्रश्नोत्तर और इस प्रकरण की तरफ। पहला ही देखिए, सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, और इसमें देखिए इसका सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। कुटिल वंश में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। यानी विष्णुगुप्त जो है, इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और चाणक्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य उसका समकालीन था। और इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे मत मतांतर है, कई मत मतांतर है, जिनमें से मैं थोड़े से आपको बता देता हूं कि इनके जन्म के संबंध में बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनका जन्म है वो तक्षशिला में हुआ था, और जैन ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म है वो श्रवण बेलगोला मैसूर में हुआ था, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल के तराई प्रदेश में भी स्वीकार करते हैं। ये इनका एक परिचय। इसके परिचय के बारे में थोड़ा और आपको आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। शिक्षा दीक्षा के बारे में देखिए, इनकी शिक्षा दीक्षा है वो नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। और ये कहा जा सकता है कि उस समय उत्तरी राज्य का एक केंद्र था और मगध राज्य का एक केंद्र था नालंदा, और वहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसके बारे में एक बात और आती है कि मगध के राजा जो थे महापद्मनंद, उनके प्रधानमंत्री का नाम था शक्टार। क्या नाम था? शक्टार था। तो इनके बारे में एक कथा पढ़ने को आती है, और वो कथा क्या है? वो कथा यह है कि महापद्मनंद के जो प्रधानमंत्री थे शक्टार, वो इससे नाराज थे। राजा ने क्या किया, एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का आदेश दिया। राजा महापद्मनंद ने ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का आदेश दिया, और ये काम उसने सप्तार को सौंप दिया। किसको? इनका जो प्रधानमंत्री था उसे सौंप दिया। अब क्या किया सप्तार, क्या हुआ कि एक दिन इसे चाणक्य को उन्होंने देखा कि अपने पैरों में जो घास चुभती है, यानी कांटेदार कोई घास थी, उस घास को उन्होंने एक मुद्रा डाल करके, एक मट्ठा डाल करके, मतलब एक कुछ पानी डालकर मट्ठा डाल करके, और उस घास को उन्होंने समूल नष्ट करते हुए देखा था। यानी उनके चमत्कार को देखा था। किसने? शक्तार ने। शक्तार ने इनके चमत्कार को देखा, तो उन्होंने क्या किया, कौटिल्य को ही आमंत्रित कर लिया कि राजा ने आपको आमंत्रित किया है, और उसे ही सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। किसको? यानी कौटिल्य को। कौटिल्य को प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान दिया। अब ये ऊंचा स्थान जब दिया गया, तो महापद्मनंद ने जब निरीक्षण किया, देखा, तो ऐसा कहा जाता है कि कौटिल्य का जो रंग था वो काला था, और काले रंग के कारण राजा है उससे नाराज हो गए। उसी समय राजा है वो उसके रंग को देख करके
महापद्मनों ने उसे अपमानित किया और कौटिल्य ने क्या किया, उसी समय अपनी शिखा खोल करके, अपनी चोटी जो है उसे खोल करके ये प्रण ले लिया कि जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मेरी शिखा नहीं बांधूंगा, और यह कह करके वो वहां से चले गए। तो ये कहा जाता है कि फिर उन्होंने क्या किया कि ये शक्तियां एकत्रित की और अपने शिष्य को उन्होंने प्रेरित किया। और इनकी चारित्रिक विशेषताओं को यदि हम पढ़े तो वो एक आदर्श अध्यापक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के देश के जो राजा थे उन राजाओं ने स्थानीय राजाओं को हराने का प्रयत्न किया था, यानी सिकंदर को हराने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि देश के राजाओं को ही हराने का प्रयत्न किया था। और देश पर जब विदेशी यूनानी शासन जो आया तो यूनानी शासन से कौटिल्य सर्वाधिक नापसंद थे, यानी कौटिल्य को सर्वाधिक आघात लगा था। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को नंदवंश का नाश करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा और तुम नंदवंश का नाश कर डालो। और उन्होंने शक्ति एकत्रित करने में, यानी और भी बहुत सारे, जैसे मान लो उसे नीति और युद्ध नीतियां सिखाने में, कई कार्यों में उन्होंने सहयोग दिया। और उन्होंने अपने अनुभव और परिस्थितियों से उभरने के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र लिखा और मौर्य साम्राज्य का महामंत्री भी यही बना था, मौर्य साम्राज्य का महामंत्री भी यही बना था। और विशाखदत्त जो था, उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में उन्होंने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस में एक जगह लिखा हुआ है कि कुटिया के एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था, और सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही थी और इसकी दीवार भी जीर्ण दशा में थी। यानी मुद्रा राक्षस में उन्होंने लिखा है किसके बारे में, कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के आवास के बारे में, कि कौटिल्य कितना सिंपल जीवन जीते थे। यानी कुटिया थी और कुटिया में यानी गोबर तोड़ने के लिए या गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं उपलों को तोड़ने के लिए वहां पर पत्थर रखा हुआ था, और वहां पर यानी जो लकड़ियां हैं वो डाली हुई थी, और लकड़ियां उनके घर की जो छत थी उस छत पर डाली हुई थी जिससे वो लदी जा रही थी। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो पहली बात है, अर्थशास्त्र एक यथार्थवादी ग्रंथ है। यथार्थवादी का मतलब है कि यथार्थ यानी वास्तविक, वास्तविक या स्वानुभूत कह सकते हैं, स्वानुभूत घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विचारधारा, व्यवहारिक राजनीति और वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं का मार्गदर्शक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का यह महत्व है कि पहली बात तो यथार्थवादी ग्रंथ है, यानी इसमें व्यवहारिक राजनीति और वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनका वर्णन इसमें किया जाता है। दूसरी बात है, इसका महत्व यह है कि स्वतंत्र राजनीति का समर्थन करता है। स्वतंत्र राजनीति ने प्राचीन भारत में स्थित धर्म समन्वित राजनीति के स्थान पर धर्म पृथक स्वतंत्र मानव समन्वित राजनीति की विवेचना की है। यानी जहां कहीं भी था तो धर्म को महत्व दिया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र में धर्म को महत्व नहीं देकर के धर्म से पृथक एक स्वतंत्र यानी मानव समन्वित यानी मानव कल्याण पर आधारित राजनीति की विवेचना इन्होंने की है। दूसरी बात है राजनीति। तीसरी बात, इसका विशेष महत्व है कि ये राजनीतिक विषयों का सार संग्रह है। क्या है, राजनीतिक विषयों का सार संग्रह है। राजनीति के जितने भी विषय हैं उन विषयों का इसमें सारांश दिया गया है, जितने भी, जैसे दंड की व्यवस्था है, राजा के निर्वाचन से संबंधित है, राजा के वंश से संबंधित है, राजा के चरित्र से संबंधित है, यानी राजा के गुप्तचरों की व्यवस्था से संबंधित है, तो हर तरह का इसमें सार संग्रह है। चौथी इसकी विशेषता है कि आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन है इसमें। इस ग्रंथ में केवल राजनीति नहीं बल्कि देश में आदर्श शासन व्यवस्था स्थापना के सभी व्यावहारिक सिद्धांतों की स्थापना की गई है। इस ग्रंथ में केवल राजनीति नहीं लेकिन देश में एक आदर्श शासन की स्थापना के जो व्यावहारिक सिद्धांत हैं, राजनीति के जो व्यावहारिक सिद्धांत हैं, उनकी स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, ये तो चार तो इनकी विशेषताएं थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में एक तो जैसे विद्वान है या आपके पाश्चात्य विद्वान कीथ जाली विंटरनिच
इनके अनुसार ये ईसा की तीसरी शताब्दी में लिखा गया था। कब में? यानी हम ये कह सकते हैं कि 200 ईस्वी के आसपास इनको लिखा गया था, ये कहा जाता है। किसने कहा? कीथ, जाली, विंटरनिस, ये इन्होंने। लेकिन अपने भारत के जो अर्थशास्त्री हैं या भारत के जो राजनीति शास्त्री हैं, जैसे श्याम शास्त्री है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल है, फ्लीट है, ये पाश्चात्य है, स्मिथ है, गणपति शास्त्री है, डी आर भंडारकर है, इन्होंने लिखा है कि ये मौर्य कालीन तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी ये तो 200 का बता रहे हैं, यानी इनके अनुसार तो यह जो ग्रंथ है वो लगभग 1800 वर्ष पुराना है, और इनके अनुसार कितना पुराना है? इनके अनुसार 2300 वर्ष पुराना है। यानी ये जो श्याम शास्त्री ये कह रहे हैं कि भाई ये तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात बता रहे हैं, तो ये लगभग यही सही है, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का ही है। और इसके रचनाकार विष्णुगुप्त कौटिल्य है। विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी? देखिए अर्थशास्त्र के बारे में क्या लिखा है। जैसे यहां से आपके छोटा प्रश्न आ सकता है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, तो मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर रहते हुए वे दोनों ही सही अर्थ में अर्थ है आता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ एवं उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर रहते हुए, यानी मनुष्य अपनी जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं, दोनों ही अर्थ है, दोनों ही सही अर्थ में अर्थ है। और अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के, अर्थात जिस भूमि पर मनुष्य रहते हैं, वही जैसे राज्य स्थापित हो सकता है, मनुष्यों के बिना तो राज्य की स्थापना संभव ही नहीं है, तो मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का जिसमें वर्णन किया गया है वह है क्या है? अर्थशास्त्र है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, जैसे हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक, तो 9610208295 इन पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ता रहे और आपको अच्छे से अच्छे जो लेसन्स है उपलब्ध करवाता रहूं। निश्चित रूप से आप जुड़िएगा, आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो राजनीति विज्ञान का मिलेगा, दोनों जो आपके हैं पेपर उनका। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार विधाएं कौन सी है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार विधाओं का वर्णन किया गया है। देखिए पहली विधा बताई गई है अन्वीक्षिकी, और अन्वीक्षिकी का अर्थ है दर्शन और तर्क से संबंधित जो विधाएं हैं, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र से संबंधित जो विधाएं हैं उनको अन्वीक्षिकी कहा जाता है। दूसरा है त्रयी, त्रयी का मतलब तीन ऐसी विधाएं हैं जिसमें धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म और वेद ज्ञान, इनको त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा है वार्ता, और वार्ता में कृषि और व्यापार का ज्ञान होता है। क्या होता है? कृषि और व्यापार से संबंधित जो विधाएं हैं वो वार्ता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा है दंड नीति, और दंड नीति में शासन कला और राजनीति आती है। क्या आती है? शासन कला एवं राजनीति, शासन कला और राजनीति जिस विधा में आती है उसे दंड नीति कहा जाता है। कृषि और व्यापार का वर्णन जिसमें किया जाता है वो वार्ता होती है। त्रयी मतलब तीन प्रकार के धर्म अधर्म और वेद ज्ञान, इससे संबंधित जो है उसे त्रयी कहा जाता है। तो ये चार विधाएं भी है, आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। कौटिल्य के का राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज है, ध्यान रखना इसको, कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संविदा सिद्धांत का वर्णन किया है। संविदा सिद्धांत, यानी जिसको हम समझौता सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समझौता सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत में होब्स के सिद्धांत से आंशिक समानता देखी जा सकती है। होब्स का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से, और होब्स का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत या समझौता से संबंधित जो सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का, उसमें हम आंशिक रूप से समानता देख सकते हैं। कैसे? यानी उसने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य लिखते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य अपने यातना में जीवन से मुक्त होने के लिए विवस्वान के पुत्र मनु को राजा चुना एवं उसकी आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा की। इसका मतलब समझौता हो गया भाई, वहां के जो राजा चुनने के लिए विवस्वान का बेटा था जिसका नाम था मनु, मनु को उन्होंने राजा चुना और कहा कि हम तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे और बदले में सरकार चलाने के लिए
अनाज का 1/6 भाग और व्यापार के लाभ का 1/10 भाग देने का वचन दिया। उसने कहा कि हमारे जितना भी अनाज होगा उसका 1/6 हम राजकोष में जमा करवाएंगे और व्यापार करने पर जो भी लाभ होगा उसका 1/10 भाग जो है हम आपके राजकोष में जमा कराएंगे, जिससे हमारी रक्षा से संबंधित और जैसे सरकार चलाने में काम आएंगे। बदले में राजा ने अपनी प्रजा को सुरक्षा का वचन दिया। तो दोनों के बीच में समझौता हो गया कि राजा ने तो प्रजा को सुरक्षित रखने का वचन दे दिया और प्रजा ने उनकी आज्ञाओं का पालन करने का वचन दे दिया। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो संविदा सिद्धांत है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा है। अब कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत, राज्य के लिए 7 सिद्धांतों की वर्णन किया है। इसका प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, मनु, भीष्म और शुक्र ये राजनीति शास्त्री है और दार्शनिक भी है। इन्होंने राज्य को एक जीवित जागृत शरीर के रूप में कल्पित किया है। इन तीनों ने कहा है कि राज्य जो है वो एक शरीर है, जिसमें जैसे शुक्र नीति में लिखा हुआ है कि राजा सिर है, यानी राज्य जो एक शरीर है। तो राज्य के लिए राजा तो उसका सिर है, मंत्री उसकी आंखें हैं, सुहर्त इसके कान हैं, यानी जो कामगार जो है, कोष जो होता है वो इसका मुख है, और बल जो है वो इसका मन है, दुर्ग होते हैं वो इसके हाथ हैं, दुर्ग हाथ है यानी जब भी कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो दुर्ग से ही रक्षा होती है, और राष्ट्र जो है वो इसका इसके पैर हैं। इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। तो इसी प्रकार कौटिल्य ने भी, यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी राज्य की 7 प्रकृतियां अथवा 7 अंग निर्धारित किए। अब देखिए, आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौटिल्य ने राज्य की कौन सी 7 प्रकृतियां बताई है। यार, कौटिल्य द्वारा वर्णित 7 प्रकृतियों का वर्णन कीजिए या सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसके सप्तांग सिद्धांतों में सबसे पहला आता है स्वामी, और स्वामी का अर्थ है राजा। क्या अर्थ है? राजा। कौटिल्य के अनुसार राजा गुणवान होना चाहिए, उसमें विनय, विवेक, शील, शास्त्र ज्ञान, निडरता, कल्याण भाव, षड्यंत्र ज्ञान होना चाहिए। राजा संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। उसमें विनय, इनमें कोमा लगा देना, विनय, विवेकशील मतलब चरित्र, शास्त्र ज्ञान, निडरता होनी चाहिए, कल्याण के भाव होने चाहिए, षड्यंत्र का ज्ञान हो, यानी राजनीति का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। एक राजा को कैसे हराया जाता है, किस प्रकार उसे फंसाया जाता है, यह भी ज्ञान राजनीति में होना चाहिए। राजा संयमी होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। दूसरे सिद्धांतों में इनके आते हैं आमात्य। आमात्य का मतलब होता है सचिव। आमात्य का मतलब क्या होता है? सचिव। यानी कौटिल्य ने इन्हें सचिव कहा है। चाणक्य के अनुसार निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को आमात्य का पद दिया जाना चाहिए, ये बात लिखी हुई है। अपने सहपाठियों को, संबंधियों को और सिफारिशी लोगों को कभी भी आमात्य पद नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि आपके, यानी जिसके साथ में पड़ा हुआ है तो इसका भेद जानता है, उसके बल को जानता है, इसलिए उसे नहीं। अपने संबंधी जो होते हैं वो भी उसके गुप्त बातों को जानते हैं, रहस्यों को बात जानता है, इसलिए उन्हें भी नहीं। और सिफारिशी लोगों को, अर्थात जो सिफारिश करने वाले लोग होते हैं, जो जैसे मान लो रिश्वतखोर लोग होते हैं, तो उनको भी कभी भी आमात्य अर्थात सचिव का पद नहीं देना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। चाणक्य ने जनपद का मतलब होता है वैसे राज्य ही है। कौटिल्य ने जनपद का अर्थ राज्य से लिया है और ये विचार प्लेटो और अरस्तु के समान है। जनपद जो है प्लेटो और अरस्तु के समान है। और वो क्या कहते हैं, जैसे जनपद में एक तो जनता, कौटिल्य के अनुसार निष्ठावान स्वामी भक्त स्वाभिमान जनता होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जनता जो है वो स्वामी भक्त होनी चाहिए और स्वाभिमानी जनता होनी चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए? राज्य की भूमि ऐसी हो जिसमें रक्षा की जा सके, उसमें नदी, तालाब, वन, खनिज, जलीय स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत इत्यादि से समृद्ध होनी चाहिए और पड़ोसी राज्य शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। वो राज्य है वो ज्यादा फलता फूलता है कौटिल्य के अनुसार। और चौथा अंग जो इन्होंने बताया है वो है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट। दुर्ग कैसा होना चाहिए? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग रक्षात्मक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी वाला होना चाहिए। मोर्चाबंदी का मतलब है कि जैसे इस प्रकार का दुर्ग हो जिसमें इस प्रकार की जगह, उसमें इस प्रकार के मोर्चे बने हुए हो ताकि शत्रु जब भी उन पर आक्रमण करे तो उन मोर्चों से शत्रुओं को अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे। इस प्रकार की जगह उसमें बनी हुई होनी चाहिए। आपने पुराने जो किले दुर्ग देखे होंगे जिसमें क्या है कि जैसे बंदूकें निकालने के लिए नालियां भी बनाई गई है, जगह जगह उनके लिए मोर्चा
कक्ष बनाए गए हैं, तो वो भी उसमें होना चाहिए। दुर्ग में पानी होना चाहिए, भोज्य सामग्री होनी चाहिए, बारूद का उचित प्रबंध होना चाहिए। ये चौथा अंग है दुर्ग। अब इन्होंने दुर्ग है वो चार प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। अब ओदक दुर्ग क्या है? देखिए, ओदक दुर्ग का मतलब उदक से बना है ये सब, उदक से, और उदक का अर्थ होता है पानी या जल। यानी ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, अर्थात उसके चारों तरफ जो है वो बड़ी खाई में एक नहर नुमा बनाया गया है और जिसमें पानी बहता हो, तो यानी सेना जो है वो दूसरी सेना आ नहीं सकती, इसलिए ओदक दुर्ग। दूसरा है पार्वत दुर्ग, अर्थात पर्वतों के बीच में बना हुआ हो, या पर्वतों के ऊपर या किसी पहाड़ पर बना हुआ हो, उसे पार्वत दुर्ग कहा जाता है। और धानवन दुर्ग जो है, धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो निर्जन मरु प्रदेश में, अर्थात रेगिस्तानी जमीन में बना हुआ हो, ऐसी जमीन में बना हो जहां पर शत्रु पहुंच नहीं सके। और चौथा है वन दुर्ग, जो चारों ओर वन से घिरा हुआ हो, कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो, वन से घिरा हुआ दुर्ग है वो। इन्होंने चार ही दुर्ग बताए हैं, ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। इसके अलावा उन्होंने एक वर्णन किया है कि कोष खजाना, पांचवा जो उन्होंने अंग बताया है सप्तांग सिद्धांतों में, कोष, कोष मतलब खजाना। कौटिल्य ने राजा के बाद कोष को सर्वाधिक महत्व दिया है, मतलब खजाने को। कौटिल्य के अनुसार राजा प्रजा से 1/6 भाग ले, और कोष में स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, अन्य मूल्यवान धातुओं को भी रखा जाना चाहिए, लेकिन कोष धर्म और नीति पूर्वक एकत्रित किया हुआ होना चाहिए। कोष में ऐसा नहीं कि जैसे लूटपाट करके, अनैतिक कार्य करके और कोष को बढ़ाया जाए, ऐसा कौटिल्य कभी भी नहीं कहता है। कौटिल्य कहता है कि खजाने में नीति पूर्वक और धर्म सम्मत जो धन है वो एकत्रित किया हुआ होना चाहिए। छठा अंग उन्होंने माना है दंड, यानी सेना। दंड का मतलब है सेना। राजा के पास पर्याप्त सैन्य बल होना चाहिए, सैनिक युद्ध विद्या में पारंगत होने चाहिए, इसके अलावा स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। यानी जब सैनिक जो है वो अपने स्वाभिमानी होंगे, स्वामी भक्त होंगे, देश प्रेमी होंगे, तो ही अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। तो कौटिल्य लिखता है कि स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। और एक उन्होंने लिखा है कि सेना में क्षत्रिय वर्ग को प्रधानता देनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में शामिल किया जा सकता है। एक उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं करने का परामर्श दिया है, उनके अनुसार कि ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसमें शिक्षक हुआ करते थे, और शिक्षक का काम होता था क्षत्रियों को शिक्षा देना। यानी वो क्या है कि शिक्षा दे करके, प्रेरित करके आगे बढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको सेना में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि अगर मान लो ये समाप्त हो जाएंगे तो शिक्षा कौन देगा, यानी सैनिक शिक्षा कौन देगा, अन्य जो नैतिक शिक्षा है वो कौन सिखाएगा, धर्म की शिक्षा कौन देगा, तो उन्होंने ब्राह्मणों को सेना से मुक्त रखा है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा सातवां है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर जिससे राज्य के मित्र नहीं होते, जैसे मान लो एक एक बात लिखी है कि मित्र वंशानुगत होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, मित्र बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, मित्र है वो वंशानुगत होने चाहिए, अर्थात अपनी सहायता करने वाला होना चाहिए। ये बात इन्होंने लिखी है। तो ये सप्तांग सिद्धांत थे। कौन से थे? सप्तांग सिद्धांत थे। इसके अलावा कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए कुछ आवश्यक गुण है। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं, या कौटिल्य के अनुसार राजपद के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। तो कौटिल्य के अनुसार राजा ही राजा का सर्वोच्च और प्रधान अंग होता है, राज्य का सबसे बड़ा और प्रधान अंग राजा ही होता है। यदि राजा संपन्न होगा और समृद्ध होगा तो उससे प्रजा भी संपन्न होगी। राजा के शील, वीरता, स्वाभिमान जैसे गुण प्रजा में भी आते हैं, इसलिए कौटिल्य के अनुसार राजा के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। पहली बात तो उन्होंने लिखा है कि राजा उच्च कुलीन होना चाहिए, उच्च कुलीन होना चाहिए, यानी राजा जो है वो पढ़ा लिखा और संस्कारवान होना चाहिए, देवी बुद्धि और शक्ति से संपन्न होना चाहिए, अर्थात उसमें देवत्व बुद्धि होनी चाहिए, सत्व भाव से संयुक्त होना चाहिए, और शक्ति संपन्न होना चाहिए, अर्थात उसमें शक्ति होनी चाहिए। निर्बल राजा जो है वो जब प्रजा की न तो रक्षा कर सकता है और न ही अपने राज्य को आगे बढ़ा सकता है। कृतज्ञ, उच्च लक्ष्यवान, उत्साही होना चाहिए, राजा कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ का अर्थ है कि जैसे मान लो प्रजा ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसमें कृतज्ञता के भाव होना चाहिए, प्रजा का एहसानमंद होना चाहिए वो। उच्च लक्ष्यवान होना चाहिए, अर्थात अपने राज्य को इतने उच्च लक्ष्य पर पहुंचाने का उसमें साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और
एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे मान लो राज्य को समृद्ध करने में, जनता की सुरक्षा करने में ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श नियंत्रक भी होना चाहिए। आदर्श नियंत्रक होना चाहिए। अगर मान लो वह अपने सेना पर, अपनी प्रजा पर, अपने राज्य पर यदि वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है तो वह राजा थोड़े ही दिनों में विफल हो जाता है, अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा पांचवा उन्होंने बताया कि अतिशय स्मरण शक्ति और बुद्धि एवं बलशाली होना चाहिए। राजा जो है वो भूलने बिसरने वाला नहीं होना चाहिए, उसकी बुद्धि स्मरण शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और बलशाली राजा होना चाहिए, तभी वह अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अब बताइए कि कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या है। कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा प्रजा में पिता संतान का संबंध होना चाहिए, अर्थात राजा को अपनी प्रजा को संतान के समान समझना चाहिए। और कौटिल्य ने राजा के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं, पहली बात उनका एक वर्ण धर्म की प्रधानता, यानी पालना, वर्ण धर्म की पालना करनी है। कैसे? जो वर्णाश्रम बनाए गए हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम बनाए गए हैं उनकी पालना करने वाला होना चाहिए और धार्मिक रूप से उनकी पालना करने वाला होना चाहिए। जैसे जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जैसे मान लो आश्रम जो बनाए गए हैं, चार आश्रम बनाए गए हैं, उन चारों आश्रमों की का पालन करने वाला होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य का यानी गृहस्थ का, उसके बाद जैसे वानप्रस्थ का, उसके बाद संन्यास का, तो इन चारों आश्रमों का की पालना करने वाला होना चाहिए। दूसरा है दंड की समुचित व्यवस्था करने वाला। दंड की समुचित व्यवस्था का मतलब है कि दंड जो है यानी अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करवाता है, अर्थात जो वस्तु प्राप्त नहीं हो पा रही है या जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है वह लक्ष्य है वो दंड के माध्यम से, दंड का अर्थ है यहाँ पर सेना भी होता है, तो उससे प्राप्त किया जा सकता है। यानी यू कह सकते हैं कि समाज और सामाजिक व्यवहार जो है दंड पर ही निर्भर करते हैं, समाज और सामाजिक संबंध। यानी जब समाज में किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो अनैतिक कार्य करेंगे, अनैतिकता होगी, और जैसे काम है, क्रोध है, अज्ञानता है, ये सारी वृत्तियां होगी। लेकिन एक जगह उन्होंने कहा भी है कि दंड जो है वो यथोचित देना चाहिए। यथोचित दंड देने वाला राजा पूज्य होता है, यानी यथोचित दंड देने वाला राज्य क्या होता है? पूज्य होता है। और केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में परिपूर्ण करता है। समुचित दंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समुचित दंड होना चाहिए। काम, क्रोध, अज्ञानतावश, इससे यदि कोई दंड दिया जाता है तो वह राजा असफल होने में समय नहीं लगता है। तीसरी बात बताई है कि आय का, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, अर्थात राज्य में जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं उनका पूरा हिसाब रखना चाहिए, उनका पूरा प्रबंध रखने वाला होना चाहिए। और इसके लिए यानी कर्मचारी भी नियुक्त किए हुए होने चाहिए अलग अलग विभागों के लिए। शासन संचालन हेतु नियुक्तियां करना, ऐसा नहीं कि राजा अकेला राजा शासन नहीं चला सकता, इसलिए उसके पास जैसे आमात्य होना चाहिए, सेनापति होना चाहिए, सेनापति होना चाहिए, इसके अलावा प्रमुख कर्मचारी और भी होने चाहिए। यानी तरह तरह के जो विभाग है उन विभागों से संबंधित कर्मचारी होने चाहिए। कर्मचारियों की पदोन्नति भी करते रहना चाहिए। जब कर्मचारियों की पदोन्नति करेंगे तो वे कर्मचारी है वो पूर्ण निष्ठा पूर्वक होकर के काम करेंगे। अगला बताया है कि लोक हित एवं सामाजिक कल्याण संबंधी काम। जो राजा लोक हित में और सामाजिक कल्याण संबंधी काम करते हैं वह राजा बहुत अधिक प्रगति करता है। कौटिल्य के अनुसार लोक हित और सामाजिक कल्याण है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जैसे राजा दान देना, अनाथ वृद्ध असहाय लोगों की सहायता करना, इसके अलावा समाज कल्याण के अन्य काम करना, जैसे कोई असहाय गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी उचित व्यवस्था करना, और भी जैसे बच्चों का भरण पोषण करना, जो जो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास खेती नहीं है उनको उनको कृषि के कार्य करवाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार, जलाशय बनाना, यानी ये सारे काम है वो कल्याण से संबंधित काम करने चाहिए। जलमार्ग है, बाजार की व्यवस्था करवाना है, जलाशय बनवाना है, अकाल पड़ने पर जनता को अनाज उपलब्ध करवाना है, ये सारे काम है वो करने वाला राजा होना चाहिए। वह राजा है वो पूज्य होता है। छठी बात है राजा का कर्तव्य है युद्ध करना। यानी वर्तमान समय में युद्ध करने से संबंधित जो राजा है वो असफल हो सकते हैं, लेकिन जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो उस समय
युद्ध जो है वो राजा के लिए अनिवार्य था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में का केंद्र है कि एक राजा जो है वो विजिगीषु राजा होना चाहिए। कैसा? विजिगीषु यानी विजिगीषु मतलब होता है कि जो विजय की कामना रखने वाला राजा होना चाहिए, जिसमें निरंतर नई भूमि प्राप्त करने का उत्साह होना चाहिए और अपने क्षेत्र को वृद्धि करने वाला होना चाहिए, तो युद्ध करने की कला भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो था उसका राजा के कर्तव्य। अब है कि कौटिल्य द्वारा राजा की सत्ता पर नियंत्रण कैसे है, क्या क्या नियंत्रण है। कौटिल्य के सप्तांगों में राजा शीर्षस्थ अंग है, फिर भी उन्होंने राजा की सत्ता पर कुछ से प्रतिबंध लगाए हैं। क्या प्रतिबंध है? देखिए, पहला प्रतिबंध है कौटिल्य द्वारा राजा की सत्ता पर नियंत्रण। ये आ सकता है कि कौटिल्य ने राजा की सत्ता पर क्या नियंत्रण लगाए। पहली बात है अनुबंधवाद का नियंत्रण। अनुबंधवाद का मतलब होता है समझौता, यानी पहली बात तो यह है कि राजा जो है वो समझौते से बना है। प्रजा और राजा में जो अनुबंध हुआ था उसमें प्रजा ने राजा की आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा की, दूसरी ओर राजा ने अपनी प्रजा के जन धन की रक्षा का वचन दिया। कौटिल्य ने राजा को एक वेतन भोगी प्रधान सैनिक की तरह बताया है। कौटिल्य कहता है कि राजा भी एक ऐसा वो सैनिक है जो सबसे प्रधान है और वो भी एक वेतन भोगी प्रधान है, उस हिसाब से जो राजा काम करना चाहिए राजा को। अगली बात बताई है धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाज, इनका भी उन पर नियंत्रण होता है। कौटिल्य ने किसी भी परिस्थिति में राजा को अपने धर्म और नीति को नहीं छोड़ना चाहिए। कौटिल्य ने यह कहा है कि राजा को किसी भी परिस्थिति में, यानी राजा को किसी भी परिस्थिति में अपनी नीति और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य एवं प्रजाजनों में व्यापारिक रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। जब धर्म और राज के आदेश टकराते हो तो धर्म की पालना करनी चाहिए। देखिए कितनी बार बड़ी बात लिखिए, जब धर्म और राज के आदेश टकराते हैं तो धर्म की पालना करनी चाहिए, उसे धर्म के आधार पर निर्णय देना चाहिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, क्योंकि कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की स्थापना की है और मंत्रिपरिषद जो है वो भी राजा की सत्ता पर नियंत्रण रखती है। कैसे? कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद को राज्य के दो पहियों में से एक पहिया माना है, मंत्रिपरिषद और राजा। एक तो राजा होता ही है और दूसरा पहिया होता है वो मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद जहां पर जो अच्छी होती है, अर्थात यूं कह सकते हैं शक्तिशाली होती है, तो वह राजा भी अच्छी तरह से काम करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को स्वयं की इच्छा न होने पर भी अपने योग्य और विश्वस्त मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राजा खुद की इच्छा नहीं होती है, फिर भी मान लो विवेक सम्मत अर्थात जो विश्वस्त और योग्य मंत्री जो परामर्श देते हैं उन परामर्श को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मंत्रिपरिषद एवं परामर्श संस्थाएं राजा को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा चौथा तीसरा नियंत्रण है जनता और जनमत का नियंत्रण भी होता है। कौटिल्य के अनुसार जनहित को या जनहित की अवहेलना करने पर राजा को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर मान लो जनता के जनहित की अवहेलना करता है कोई राजा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, अतः राजा को प्रजा हित में काम करने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा जनहित की अवहेलना कर मनमाने निरंकुश राजा को प्रजा को त्याग देना। कौटिल्य ये कहता है कि जो राजा जनहित की अवहेलना करता है और निरंकुश शासन की स्थापना करता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, तो जनता को उस राजा को त्याग देना चाहिए, अर्थात उस राजा को छोड़ देना चाहिए। अगला है राजा का व्यक्तित्व, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भी एक नियंत्रण है। कौटिल्य के अनुसार राजा नैतिक और मानसिक उदारता के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। राजा को आदर्श गुरु से धार्मिक, नैतिक एवं सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी गुरु लोग हैं वो सारे के सारे जितने भी राजा लोग हैं उन राजाओं के अपने अपने गुरु होते हैं। जैसे यदि हम पुराने राजा में श्री राम का इनाम लें तो श्री राम के भी गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सेवा की थी। यानी यूं कह सकते हैं कि जितने भी, जैसे अपने यहाँ पर महाभारत काल के राजाओं के नाम ले सकते हैं या जैसे गुप्त काल के राजाओं के नाम ले सकते हैं, तो उन सभी के गुरु होते हैं और गुरुओं के आज्ञाओं का उन्होंने पालन अवश्य ही किया है। तो ये तो था पहला भाग, यानी पहला भाग जिसमें राजा की सत्ता पर नियंत्रण तक था। अब हम कौटिल्य की विवेचना करेंगे। कौटिल्य की यानी जो अन्य जो यूं कह सकते हैं कि विचारक हैं, जैसे पाश्चात्य विचारक हैं, उन पाश्चात्य विचारकों के साथ में हम तुलना करेंगे कि कौन सा श्रेष्ठ है, तो अगले पार्ट में वो जरूर करेंगे। और आप अवश्य ही इसमें ऐड हो सकते हैं 9610208295 पर।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।